सेहत के आलमी मयार के मुताबिक पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। डॉक्टर्स और अमला बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। इदारे के ट्रस्ट फंड के लिए 15 अरब रुपए इकट्ठे किए। मुखय्यर हजरात भी इदारे को फंड्स और अद्वियात फराहम करेंगे। हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही मुहिम जरूरी है। हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए विफाक सूबों को फंड फराहम करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम हेपेटाइटिस सी के खात्मे पर आगाही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 28 मुसाफिर जां बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। नवाबशाह में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई। जाए हादसा पर पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक। आर्मी चीफ की ट्रेन हादसे के मुकाम पर इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत। जाए हादसा पर पाक फौज और रेंजर्स इमदादी सरगर्मियों में शरीक। मजीद दस्तों को हैदराबाद और सकरण से तलब कर लिया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना। मुश्तरका मफादात काउंसिल में डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला हमारा नहीं, गुज़श्ता हुकूमत का था। चेयरमैन पीटीआई ने टैक्स गोशवारों में असासे छुपाए, उनको कानून के मुताबिक सजा हुई है। सजा के खिलाफ अपील का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। विफाकी वुज़रा इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मीडिया पर कदगने लगाई गईं। आजादी इजहार राय पर पाबंदी थी, आज मौजूदा दौरे हुकूमत में मीडिया आजाद है। ट्रेन हादसे पर हर दिल गमगीन है। हादसे की तहकीकात जारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कानून को चकमा देकर और इदारों पर हमलावर होकर मुकदमात से बचा नहीं जा सकता। चेयरमैन पीटीआई अपने दिफा में सबूत पेश न कर सके, उनकी गिरफ्तारी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पुरअमन एहतजाज किसी भी सियासी जमात या कारकुन का जमहूरी हक है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज सामने नहीं आया। इस शख्स ने कानून से बचने के लिए तशद्दुद को हवा दी और कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बीबीसी को इंटरव्यू। और बलूचिस्तान और फाटा के तलबा के लिए हजारों स्कॉलरशिप्स का दोबारा आगाज। नौजवान नस्ल को गालम गलोच के बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे लेकर जाना है। मुल्क को नाकाबले तस्खीर माशी कुवत बनाना तरजीह होनी चाहिए। बच्चों के हाथों में मुर्गी और अंडों के बजाय लैपटॉप थमाए हैं। विफाकी वजीर अहसन इकबाल का नौरवाल में तकरीब से खिताब।